आतंकवादी या जिहादी बनने पे मजबूर कर दो। तुम्हारी अनछुई हुई तुम्हारी होंगी तुम्हारी। आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फिल्म द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, तब तक कुछ ऐसी फिल्मों के टीजर लॉन्च कर दिए गए या कुछ ऐसी फिल्में अनाउंस कर दी गई जो वामपंथी और ऐसी विचारधारा के लोगों को फिर से गहरी मिर्ची लगाएंगे। दरअसल 4 जून को 72 हूरों का टीजर लॉन्च कर दिया गया। टीजर लॉन्च होने के साथ ही धूम तो मचा ही रहा है, लेकिन कई लोगों को उस पे मिर्ची भी लग रही है। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे आतंकवादी संगठन युवाओं के ब्रेन को वश करते हैं और साथ में ही उन्हें आतंकवादी या जिहादी बनने पे मजबूर कर देते हैं। हम इस मुद्दे पे चर्चा करें उससे पहले एक बार टीजर देख लें। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। कंवारी अनछुई हुरे तुम्हारी होंगी तुम्हारी हमेशा के लिए। गूज़बम्प्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए टीजर देख के। शुरुआत ही होता है कि तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो तुम्हें सीधा जन्नत लेके जाएगा। कुंवारी अनछुई हुए तुम्हारी होंगी हमेशा के लिए। दरअसल ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। तमाम मंचों से मौलाना लगातार ये कहते रहते हैं कि जो जन्नत जाएगा उसे वहां पे हूरे खिदमत करेंगी और वो हूरे उनकी होंगी। मौलाना तो यहाँ तक कहते हैं कि 130-130 फीट की हूरे होंगी। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस बकिया तैयारी किसके लिए करो, उस जन्नत को हासिल करो। ये जो हसीन और खूबसूरत हूरे मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। और आतंकवादी संगठन यही करते हैं, युवाओं के दिमाग में स्लो पॉइजन की तरह इस बात को डाल देते हैं कि जिहाद करने के बाद वो जन्नत जाएंगे और जन्नत में उनकी खिदमत 72 हूरे करेंगे। और 72 हूरों का बवाल नया नहीं है। फिल्म उरी में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जब विकी कौशल पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा होता है तो वो बोलता है कि अपने हूरों से बोल देना कि वो नाश्ते पे इंतजार करे, आज ढेर सारे मेहमान जाने वाले हैं, जिसको लेके बहुत सारे बवाल हुए और सेंसर बोर्ड ने उस सीन को कट कर दिया था। अब ये टीजर रिलीज होने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन समाज को ये बताना भी जरूरी है कि आखिर ये आतंकी संगठन किस तरीके से युवाओं को बरगला के फुसला के बहला के एक आत्मघाती इंसान बना देते हैं या एक जिहादी बना देते हैं। फिर वो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम जगहों पे जिहाद करते हैं और सिर्फ इस चाह में जिहाद करते हैं कि 72 हूरे उनकी स्वर्ग में खिदमत करें। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये फिल्म क्या कमाल कर पाती है या कितने विवाद और इस पे खड़े होते हैं, लेकिन विवाद खड़ा होना तो तय है। आने वाले वक्त पे देखेंगे कि आखिर इस फिल्म को लेकर क्या क्या विवाद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म आईना दिखाने का काम करेगी, उन कट्टरपंथियों को आईना दिखाने का काम करेगी, उन संगठनों को जो जन्नत के नाम पे 72 हूरों के नाम पे युवाओं को जिहादी बनाते हैं। बहरहाल आप इस पूरे मामले पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।